कैसे आप सब। चलिए आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। और ये हम लोग पढ़ किस में रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं फार्मेको थेरेपेटिक्स, जो कि आपके फॉर्म डी के सिलेबस में है और डी फार्मा के सिलेबस में है सेकेंड ईयर में। और डी फार्मा के सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, उसका लेक्चर नंबर 2 है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन की बात करें दोस्तों, तो जो ये मेडिसिन है इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। आपको जितना मैं टॉपिक आज के लेक्चर में पढ़ाऊंगा वो पूरा का पूरा लिखना है, एक्सप्लेन करना है, और ये एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, 8-10 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। तो आज हम टॉपिक तैयार करने वाले हैं रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन। तो रेशनल शब्द का मतलब क्या होता है, पहले हम इससे शुरुआत करते हैं दोस्तों। रेशनल शब्द का अर्थ होता है, रेशनल का मतलब होता है तर्क संगत, हिंदी में कहते हैं तर्क संगत, यानी जो तर्क के साथ सफल है। जैसे कि आप देखते हैं कि धर्म भक्ति, कभी कभी अंधभक्ति होती है कि जिसको हम मानते हैं हम उसको तर्क पे नहीं तोलते, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जो सावन चल रहा है, तो जो सावन चल रहा है तो लोग कहते हैं कि शंकर जी पे हम दूध चढ़ाएंगे, धतूर चढ़ाएंगे, मदार चढ़ाएंगे। तो अब कुछ लोग उसको अंधभक्ति भी कह सकते हैं कि भाई फालतू पत्थर पे दूध वेस्ट कर रहे हैं, ये वेस्ट कर रहे हैं, पानी वेस्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि वहां तर्क नहीं है, तो इसको आप अंधभक्ति कह सकते हैं। लेकिन तर्क है, अगर तर्क ये है कि भारत के जितने भी ज्योतिर्लिंग है, अगर आप उसका मैप उठाकर देखेंगे, वो सारे के सारे न्यूक्लियर रिएक्टर का केंद्र है। और आप गूगल में जाकर सर्च कर लीजिए, जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उस पर दूध डालने से, पानी डालने से, धतूर मदार बेलपत्र डालने से, वो न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, यानी एमिशन को कम करता है। यानी जो ये अगर धर्म को हम तर्क से तोलें कि जो ये जितने भी आपके शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग है, 12 के 12 एक न्यूक्लियर रिएक्टर का केंद्र है भारत में पृथ्वी पर, और उस पर दूध जल धतूर मदार चढ़ाना फायदेमंद है, जो प्रकृति को बचाता है किसी भी हानि से, ये साइंस है। और उससे पहले वाला धर्म था, अब आप इसको धर्म जोड़िए तर्क जोड़िए। तो यानी जब हम किसी धर्म को या किसी बात को साइंस से जोड़ लेते हैं, उसको साबित करते हैं, तो वो तर्क संगत हो जाता है, ना कि अंधभक्ति। तो हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो धर्म है, वो विज्ञान का मेल जोल है। कुछ चीजें हम समझ पाते हैं, कुछ अभी आगे हम समझेंगे भविष्य में, ठीक है। तो अपने टॉपिक की ओर लौटते हैं, अपने टॉपिक पर अगर हम बात करें तो रेशनल का मतलब होता है कि तर्क संगत, यानी जो हम मेडिसिन दे रहे हैं उसे अगर भली भांति अच्छी तरह से उसका इस्तेमाल करेंगे तो ही वो ड्रग हमारा फायदेमंद होगा। दिस इज रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो अब हम इसको समझ कर सकते, भाई आपने बहुत पैसा खर्चा किया, आपने मेडिसिन बना ली, आपने दवाई रिसर्च किया, दवाई बना लिया, जैसे आपने कोरोना का टीका बना लिया, लेकिन उसे प्रॉपर तरीके से यूज नहीं किया। कब खिलाना है, कितने दिन के अंतर में खिलाना है, कितनी डोज देनी है, बड़े को क्या डोज देनी है, छोटे को क्या डोज देनी है, अगर यही आप डिसाइड नहीं कर पाए, सही तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, तो आपकी सारी रिसर्च, सारी पढ़ाई, सारी मेहनत खराब हो गई, जो आपने उस दवा की डिस्कवरी में या उसके पीछे जो आपने खर्चे किए वो सब बर्बाद हो गए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल तौर पे आपने एक कहानी पढ़ी थी, पंचलाइट कहानी क्या थी, उसमें परेश्वरनाथ रेणु जी की, कि एक बहुत महंगी मशीन गांव वाले चंदा करके ले आए और मशीन ला के रख दिए। अब मशीन चलाना किसी को नहीं आता, तो जब चलाना नहीं आता तो आपने जितना पैसा लाया, मेहनत किया, सब वेस्ट हो गया। उसी तरह से आप जो मेडिसिन खरीदते हैं, लाते हैं, डॉक्टर आपको देता है, अगर उसे आप कैसे खाना है, किस तरह खाना है, कब खाना है, क्या प्रिकॉशन रखना है, ये चीज़ें नहीं पता है, तो वो दवा हो सकता है फायदे की जगह आपको नुकसान कर जाए, तो सारा पैसा तो आपका बर्बाद हो गया, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इसका मेन पर्पज यही है कि आप जो भी दवाई खाएं उसे इस तरीके से खाएं, इस तरीके से यूज करें, ताकि वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इफेक्ट दे सके। तो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन का मतलब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। इसका डेफिनेशन है यूज ऑफ ड्रग्स बाय क्वालिफाइड डॉक्टर्स, मॉडल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन वुड बी रेशनल। यानी दो वर्ड यहां पे आया, एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स और एक मॉडर्न मेडिसिन। यानी जब किसी भी दवा का इस्तेमाल क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा मॉडर्न मेडिसिन के फॉर्म में किया जाता है तो वो रेशनल कहलाता है। क्वालिफाइड डॉक्टर मतलब वो डॉक्टर जिसको उसकी संपूर्ण जानकारी है। 4 दिन एक हाई स्कूल पास बच्चा मेडिकल स्टोर में बैठ जाएगा तो वो भी जान जाएगा कि गैस के लिए 5-40 देना है, बुखार के लिए पैरासीटामॉल देना है, तो एंटीबायोटिक देना है, तो सालबुटामॉल देना है, खांसी के लिए तो ये देना है। वो डॉक्टर नहीं हो जाता, डॉक्टर वो है जिसको उस दवा के पॉन्स एंड कॉज, फायदे और नुकसान, अच्छी बुराई, किम किस उम्र में क्या नुकसान क्या फायदे, पूरी तरह से पता है, वो एक क्वालिफाइड डॉक्टर है। और क्वालिफाइड डॉक्टर और एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट भी, जो पूरी तरह से पढ़ा लिखा है।
ठीक है। और मॉडर्न मेडिसिन भाई, मेडिसिन के पहले पुराने फॉर्म चलते थे, अब नए फॉर्म आ गए, जैसे टैबलेट कैप्सूल के अलावा आजकल बहुत चीजें चल रही हैं, लोजेंजेस हैं, पाउचेस हैं, सपोजिटरीज हैं। किसी भी फॉर्म में जब हम किसी ड्रग को मॉडर्न मेडिसिन को कोई देता है तो उसे रेशनल मेडिसिन कहते हैं। ये तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन हो गया कि व्हाट इज द रेशनल मेडिसिन। अब हम बात करेंगे WHO की क्या डेफिनेशन है। तो WHO की एक डेफिनेशन है, मैं उसको पढ़ रहा हूँ। WHO की डेफिनेशन क्या है कि एज पर WHO द रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन रिक्वायर्स दैट द पेशेंट रिसीव्स अ मेडिकेशन एप्रोप्रिएट टू देयर क्लिनिकल नीड इन डोजेस दैट द मीट देयर ओन इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फॉर एन एप्रोप्रिएट, ठीक है, फॉर एन एडिक्वेट पीरियड ऑफ टाइम एंड लोवेस्ट कॉस्ट ऑफ देयर, ठीक है। यानी किसी भी दवा को किसी एक योग्य व्यक्ति के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा किसी मरीज को दी जाए जो कम से कम मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में, उसे बिना उपयुक्त पैसे खर्च करके उसे उपयुक्त इलाज प्रदान कर सकता है, उसी को हम रेशनल मेडिसिन कहते हैं। ये WHO के डेफिनेशन, ठीक है दोस्तों। अब WHO के डेफिनेशन के बाद हम आगे बात करते हैं कि रेशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होता है। देखिए, जैसे आपका जो रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन है, दवा बनने की जो सारी क्रिया है, स्टार्टिंग से देखें तो मिक्सिंग, कंपाउंडिंग, मिक्सिंग, डिस्पेंसिंग, प्रिस्क्रिप्शन, ये सारा यूज, ये सारे को हम रेशनल प्रिस्क्रिप्शन भी हो सकता है, रेशनल यूजिंग हो सकता है, रेशनल कंपाउंडिंग हो सकता है, रेशनल डिस्पेंसिंग हो सकता है। यानी सभी प्रोसेस को ठीक से करेंगे तभी ड्रग सही से होगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स की बात हो रही है तो वर्ड है रेशनल प्रिस्क्राइबिंग। यानी कि इस मेडिसिन के अंदर एक छोटा टॉपिक आता है, व्हाट इज द रेशनल प्रिस्क्राइबिंग। यानी जो प्रिस्क्रिप्शन कौन लेता है, डॉक्टर्स देते हैं। अगर डॉक्टर्स किसी भी दवा को बेहतरीन तरीके से प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अप्रोप्रिएट अमाउंट में, अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में, अप्रोप्रिएट यूज के साथ अगर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम रेशनल प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं। और जब प्रिस्क्राइबिंग आपकी रेशनल प्रिस्क्राइबिंग हो जाएगी, उपयुक्त हो जाएगी, तो दवा का असर ज्यादा हो जाएगा। तो रेशनल प्रिस्क्राइबिंग में कौन कौन से ऐसे पैरामीटर हैं, ठीक है, तो हम सबसे पहले रेशनल तो समझ रहे हैं। इसको समझने से पहले समझ लें कि इरेशनल क्या होता है। भाई रेशनल का मतलब हो गया अगर दवा सबसे सही है, सही डॉक्टर दे रहा है तो वो रेशनल हो गया। इरेशनल का मतलब क्या है, अगर कोई ड्रग इन अप्रोप्रिएट है, पहला इन अप्रोप्रिएट अमाउंट है, यानी दवा जितनी देनी चाहिए उतना नहीं दिया गया, कम दे दिया गया, ज्यादा दे दिया गया। दूसरा इनइफेक्टिव है, दवा ऐसी दे दी गई जो एक्सपायर है या दवा काम की नहीं है, जो बॉडी में असर नहीं कर रही है। और इनसफिशियंट है, जितनी मात्रा चाहिए उतनी मात्रा नहीं दी गई। तो अगर किसी भी ड्रग, द ड्रग विच आर इनअप्रोप्रिएट, इनइफेक्टिव एंड इनसफिशियंट इन अमाउंट, दे आर कॉल्ड इरेशनल। समझना क्या इरेशनल का मतलब क्या हो, अतर्कसंगत, जो हमारे लिए ठीक नहीं, इसको समझना जरूरी था। अब हम बात करेंगे कि रेशनल प्रिस्क्राइबिंग क्या होता है। तो किसी भी डॉक्टर के द्वारा जो रेशनल प्रिस्क्राइबिंग की जाती है, तर्कसंगत जो आपके प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, उसके पांच क्राइटेरिया होते हैं। अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते समय पांचों क्राइटेरिया को ध्यान में रखता है, पांचों चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, तो उसे हम रेशनल प्रिस्क्राइबिंग कहते हैं, ठीक है। अब वो पांच चीजें क्या है, पहला पॉइंट है अप्रोप्रिएट इंडिकेशन। अब इसमें आपको लिखना है, ये हेडिंग है अप्रोप्रिएट इंडिकेशन, इसके अंदर आपको लिखना क्या है कि हिंदी में कैसे लिख सकते हैं कि अप्रोप्रिएट मतलब कि आपका इंडिकेशन समझते हैं आपको निर्देश, ठीक है। अप्रोप्रिएट को हिंदी में हम लोग क्या कह सकते हैं, अप्रोप्रिएट को तर्क बोल सकते हैं या कुछ सही बोल सकते हैं, सही निर्देश, ठीक है। तो अप्रोप्रिएट इंडिकेशन का मतलब दोस्तों क्या होगा कि आपको जब डॉक्टर दवाई दे तो उसमें बकायदे लिखे कि ये दवा खाना खाने के आधा घंटे पहले, ये दवा खाना खाने के आधे घंटे बाद, या खाने के दो घंटे बाद, या दूध पीने के पहले, या पानी के साथ, या दूध के साथ, या गर्म पानी के साथ। जब आपको दवा का प्रॉपर इंडिकेशन लिखा जाता है, पता चला आपको दवाई सही दी गई, आपको सब कुछ सही दिया गया, लेकिन दवा खाने का तरीका गलत है। जैसे मैंने कहा कि आपके जो भी PPI होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, रेमिप्राजोल, ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, रेसोप्रोप्राजोल, ये सब दवाइयाँ आपको खाना खाने के आधे घंटे पहले खाना है, खाली पेट खाना है। अब आपको पता नहीं, डॉक्टर ने दे दिया तीन बार खानी है, सुबह एक बार खानी है, आप खाना खाए, खाना खाने के बाद खा ली, दवा का असर तो खत्म हो गया, आप दवा खाए ना खाए पैसा बर्बाद। तो इंडिकेशन होना बहुत जरूरी है, ये पहला शर्त है कि अगर आपको रेशनल प्रिस्क्राइबिंग करनी है तो इंडिकेशन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसलिए आप क्या लिख सकते हैं कि व्हेन डॉक्टर प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन देन देयर इंडिकेशन शुड बी अप्रोप्रिएटली रिटन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन, लाइक ODBD ODSOS, ठीक है, एक बार खाना है, दो बार खाना है, बिफोर मील, आफ्टर मील, दीज थिंग्स, ये लिखना जरूरी है। दूसरा है अप्रोप्रिएट ड्रग इनफिकेसी। डॉक्टर को इस चीज को ध्यान देना है कि हम जो मरीज को दवा दे रहे हैं वो दवा क्या उसके लिए इफेक्टिव है,
आप जाइए छोटे डॉक्टर के पास, आप उसको बताइए सर सर्दी हुई है, बुखार हुआ है, वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वो आपको एंटीबायोटिक लिख देगा, दो पैरासिटामॉल लिख देगा, उसके बाद सेट्रिजिन लिख देगा, फिर आपको बी कॉम्प्लेक्स लिख देगा, तीन चार जड़ी बूटी लिख देगा, यानी क्या मतलब है उससे नहीं भाई, वही दवाइयाँ दीजिए जो उसके इफेक्ट में है। अपना माल बेचने के लिए, पैसे बनाने के लिए दवाई लिखना सही नहीं है। तो अप्रोप्रिएट ड्रग इन एफिकेसी, यानी आप वही ड्रग उसको प्रिस्क्राइब कीजिए जो उसको फायदा करे। पता चला उसको दवाई दिक्कत कुछ है, आप दवाई उसको कुछ दे रहे हैं, बिना मतलब की दवाइयाँ दे रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो इन अप्रोप्रिएट ड्रग इन एफिकेसी मीन्स any drug which is prescribed to the patient will be effective for their treatment of disease, uske disease ke liye effective hona chahiye। appropriate dose and route, ye bahut important teesra point hai ki jis dose ke bana hai, dose aap samajh pa rahe hain, jaise main agar aapko dose ki baat karu yahan pe, to jaise ki dose aapka ho gaya, appropriate dose ki baat karu to kis tarah se dena hai, kitni baar dena hai, theek hai, koi aaya hai, main isse dekh ke aata hu, isko hold kijiyega, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए। ठीक है, तो एप्रोप्रिएट डोज समझ में आएगा कितना डोज देना। जैसे कि अब आप मुझे एग्जांपल देता हूँ, पैरासिटामॉल पहले टैबलेट 500 मिलीग्राम की आती थी, लोग खाते थे, दिन में तीन बार खाते थे, सुबह दोपहर शाम। ठीक है, जैसे ही कोविड आया पूरे भारत में इतना ज़्यादा पैरासिटामॉल खाया गया कि अब इसकी एफिकेसी खत्म हो चुकी। अब आप किसी पेशेंट को जो 10 साल का है, 8 साल का ऊपर है, आप उसको बुखार आया, उसको पैरासिटामॉल 500 मिलीग्राम आप देखे, देखिए उसको असर ही नहीं होगा, उसका बुखार उतरेगा ही। अब उसका डोज हो गया 650 mg, और वो भी दिन में तीन बार चार बार देना पड़ता है, यानी कि उसकी एफिकेसी ड्रग की घटी है, इसलिए हमको डोज बढ़ाना पड़ रहा है। तो एप्रोप्रिएट डोज का मतलब क्या है, कि आपने पैरासिटामोल तो लिख दिया तीन बार, 500 वाला है कि 650 वाला है, क्योंकि आपको पता है उसकी बॉडी वेट क्या है, उसका साइज क्या है, वो कितना बड़ा है, उसके हिसाब से आपको डोज कैलकुलेट करना है, तभी ड्रग इफेक्ट करेगा। एंड रूट, किस रूट से देना है भाई, उसको लोशन के फॉर्म में देना है कि माउथ से देना है, ठीक है, कि ओरली खिलाना है, कि उसको क्रीम के फॉर्म में देना है, किस फॉर्म में देना है, ये रूट डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला है करेक्ट डिस्पेंसिंग विद इंफॉर्मेशन, यानी जब उसको आप मेडिसिन डिस्पेंस करिए दीजिए तो करेक्ट इंफॉर्मेशन के साथ दीजिए कि भैया ये दवाई बुखार की है, ये दवाई आपके ब्लड प्रेशर की है, ये दवाई आपके शुगर की है, ये दवाई आपके क्रीम लगानी है, ये आपको पानी मिला के पीना है, इन्फॉर्मेशन देना फार्मासिस्ट का काम है। अगर डॉक्टर ने सब कुछ सही लिखा लेकिन अगर फार्मासिस्ट ने उसको डिस्पेंस करते हुए सही इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, भाई डॉक्टर ने तो पर्चे में लिख दिया कि ओडी खाना है, बीडी खाना है, सुबह खाना है, एसओएस खाना है, अगर उसको नहीं पता कि एसओएस क्या होता है, उसे नहीं पता कि एचएस क्या होता है, बीडी क्या होता है, और फार्मासिस्ट ने उसको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो उसका दवा भी इरेशनल हो जाएगा, उसका दवा खराब हो जाएगा। तो ये अगला इंपॉर्टेंट है। एंड द लास्ट इज द एडिक्वेट मॉनिटरिंग, दवा देने के बाद फार्मासिस्ट का काम है कि उससे मॉनिटरिंग भी करे, उससे पूछे कि दवा कैसे खानी है, क्या खानी है, आप दवा प्रॉपर खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, आपको दवा का रिस्पॉन्स क्या है, अच्छा है कि नहीं है, ये एडिक्वेट मॉनिटरिंग करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग, यानी अगर आप देखिए आपका टॉपिक है रेशनल यूज ऑफ मेडिसिन, इसी के अंदर सब कुछ लिखना है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग, अगर आप कोई भी दवा इरेशनल तरीके से प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, तो मैंने तो बताया कि क्या क्या होते हैं, कैसे आप उसको प्रिस्क्राइब करें, क्या क्राइटेरिया है। लेकिन अगर कोई झोला छाप डॉक्टर, कोई खराब डॉक्टर, या उसके यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी है, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है लेकिन उसके यहाँ मरीज भाई वो दिन भर में 30-40 देख सकता है, अगर 100-150 मरीज आ रहे हैं तो क्या करेगा, बस सिम्टम पूछो दवाई लिख देगा, सिम्टम पूछो दवाई लिख देगा, उस हिसाब से भी वो इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग करेगा। अच्छा डॉक्टर होने के बाद भी अगर वो ज़्यादा लोगों का हैंडल कर रहा है, सरकारी अस्पतालों में देखते हैं मार मेला लगा रहता है, भीड़ लगी रहती है, दिन दिन भर में 200-200 पेशेंट देखने होते हैं, तो डॉक्टर चाह करके भी आपको रेशनल प्रिस्क्राइबिंग नहीं कर सकता, वो इरेशनल करेगा। तो क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं अगर आपको इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग की जाए, मैं आपके सामने यहाँ तो कुल 6 आपको एडवर्स इफेक्ट दिखाता हूँ। पहला एडवर्स इफेक्ट है डिले या इनेबिलिटी इन रिलीफ ऑफ ड्रग, भाई जो दवा आप खा रहे हैं, जो हो सकता है आपको 4 दिन में 1 हफ्ते में आराम मिल जाना चाहिए और आपको 15 दिन लग रहा है, आपको दवा का असर होने में टाइम लग रहा है, या दवा आपको असर ही नहीं कर रही, हो सकता है क्योंकि आप दवा सही से नहीं खा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन आपका जो है इरेशनल है। दूसरा मोर एडवर्स ड्रग इफेक्ट, भाई दवाइयों के कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, एडवर्स इफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर आप दवाई सही तरीके से नहीं खा रहे, आप दवाई को प्रॉपरली तरीके से नहीं खा रहे, इंडिकेशन आपको सही नहीं दिया गया है, तो उस तरीके में क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी में ज्यादा शो करेंगे जो नॉर्मल से ज्यादा है, इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग का। अगला है प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, अगर कोई भी बंदा
अस्पताल में भर्ती है, हो सकता है वो एक हफ्ते में डिस्चार्ज हो जाता, लेकिन दवाई सही से नहीं दी गई, ट्रीटमेंट सही से नहीं दिया गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, हो सकता है वो 15 दिन महीने भर अस्पताल में पड़ा रहे क्योंकि उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड प्रोलोंगेशन ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अगला है इंक्रीज मोर्टेलिटी, मृत्यु दर भी बढ़ सकता है अगर आपका प्रॉपर इलाज नहीं हुआ। आप देखेंगे कोविड के केस में बहुत से पेशेंट एडमिट हुए, वहाँ पे इलाज सही नहीं हुआ और खत्म हुआ। तो उस केस में क्या है, अगर आपके प्रिस्क्राइबिंग एडवर्स है, सही इलाज नहीं हो रहा है, इरेशनल है, तो मोर्टेलिटी मृत्यु दर भी बढ़ सकती है। इमरजेंस ऑफ माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, यानी आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है माइक्रोबियल, जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा करते हैं या जो एंटीबायोटिक नहीं खानी वो भी आप खाने लगते हैं, जो खासकर गाँवों में देखा गया है, झोला छाप डॉक्टर होते हैं उन्हें एंटीबायोटिक से पैसे कमाने होते हैं, वो एक्स्ट्रा एंटीबायोटिक लिखते रहते हैं। उस केस में आपकी बॉडी में माइक्रोबियल या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होता है, इसको सुपर बग्स कहते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि फ्यूचर में आपको एंटीबायोटिक कोई आपकी बॉडी में सूट ही नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। तो अगर आप दवा खराब तरीके से खा रहे हैं, गलत मैनर, भाई आपको एंटीबायोटिक कोई 5 दिन खाना है, आप 2 दिन में तबीयत ठीक हो गया, आपने तो एंटीबायोटिक खाना छोड़ दिया, कोर्स पूरा नहीं किया, या आपको खाना था 5 दिन, आप लगातार 15-20 दिन खाए पड़े हैं, तो उस केस में आपकी बॉडी में माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है जो कि इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग का एक नतीजा है। अगला है लॉस ऑफ पेशेंट कॉन्फिडेंस इन डॉक्टर, ये सबसे आखिरी है लेकिन सबसे अहम। एक डॉक्टर की इमेज भी खराब होती है, जब कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाता है, दवा वो सही से देख नहीं रहा है, डॉक्टर भीड़ लगी है, जल्दी जल्दी पर्चा लिख दिया, समझाया नहीं, और मरीज दवा खाया और उसको आराम भी नहीं मिल रहा है, तो उसका डॉक्टर पर से कॉन्फिडेंस, भरोसा, विश्वास टूटने लगता है। बेकार डॉक्टर है सारा, दुई गौड़ी डॉक्टर, कोई काम नहीं आता इसको, इसके पास नहीं जाएंगे दिखाने, समझाएंगे ये हो। अब रेशनल ऑफ यूज मेडिसिन में एक लास्ट हेडिंग है, दिस इज प्रोसेस ऑफ रेशनल प्रिस्क्राइबिंग, यानी अगर कोई डॉक्टर, कोई फार्मासिस्ट अगर प्रिस्क्राइबिंग करता है, रेशनल प्रिस्क्राइबिंग करता है, तो कौन कौन से स्टेप, 4 स्टेप का उसको ध्यान देना है। 4 स्टेप को ध्यान में रखे, मन में सोचे, उसको विचार करे, उसके बाद ही प्रिस्क्रिप्शन लिखे। वो 4 स्टेप क्या है, पहला है एस्टेब्लिश ए डायग्नोसिस, पहले उसकी सारी ब्लड रिपोर्ट्स देखें, यूरिन रिपोर्ट देखें, पैथोलॉजी रिपोर्ट देखें, और देखकर बीमारी का पता लगा कि सही में इसको बीमारी क्या होगी। इसमें समय लगता है, और जब भीड़ बहुत ज़्यादा होती है डॉक्टर 2 मिनट में कहते हैं हाँ ठीक है ठीक है ठीक जाओ। ये सबसे पहला स्टेप है और इम्पोर्टेंट स्टेप है, एस्टेब्लिश ए डायग्नोसिस, सबसे पहले उसको एक सही तरीके का डायग्नोसिस पता करना। दूसरा है डिफाइंड थेरेप्यूटिक प्रॉब्लम, अब डायग्नोसिस के बाद उसे बीमारी पता करनी है कि कौन सी बीमारी उसको हुई है एग्जैक्टली, इस बीमारी को पता करना है, दूसरा स्टेप है। तीसरा है थेरेप्यूटिक गोल्स टू बी अचीव, अब उसे डिसाइड करना है कि हमें कौन सा बीमारी का इलाज करना है, भाई बीमारी क्या हो मालूम, अब इस बीमारी को इलाज कैसे करना है, किस मेडिसिन का इस्तेमाल करके या किन तरीकों का इस्तेमाल करके, भाई इसकी एज क्या है, भाई कभी कभी एक ही बीमारी के लिए अलग मेडिसिन होता है एज ग्रुप के हिसाब से, मेल फीमेल के हिसाब से, प्रेगनेंसी नॉन प्रेगनेंसी के हिसाब से, तो किस तरह से हमको थेरेप्यूटिक गोल बनाना है इसको ठीक करने का। और चौथा है किस क्लास की ड्रग इसको देनी, भाई एक ही बीमारी की कई दवाइयाँ होती हैं सेम क्लास पर, तो किस क्लास में, जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो ब्लड प्रेशर में 5-15 तरह की दवाइयाँ हैं, ठीक है, कोई आपके एंजियोटेंसिन ब्लॉकर है, तो कोई आपका डायबिटिक्स टाइप का है, तो कोई आपका बीटा ब्लॉकर है, तो कोई आपका अल्फा ब्लॉकर है, तो कौन सी कैटेगरी का ड्रग देना है इसको ठीक करने के लिए, ये भी सिलेक्ट करना डॉक्टर का। अगर ये 4 चीज़ों का डॉक्टर ध्यान दे देगा तो प्रिस्क्रिप्शन 100% है कि वो सही बनेगा। तो 4 स्टेप है, एस्टेब्लिश डायग्नोसिस, डिफाइन थेरेप्यूटिक प्रॉब्लम्स, थेरेप्यूटिक गोल्स टू बी अचीव, सेलेक्ट द क्लास, ठीक है दोस्तों। अगर आप एप्लीकेशन में देख रहे हैं या यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे एक नए टॉपिक के साथ, और हम लोग इस सिलेबस खत्म कर रहे हैं, बाकी सब सेकंड ईयर की बाकी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, 15 अगस्त को हम अनाउंस करेंगे अपने एप्लीकेशन के बारे में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, और जय हिंद, भारत माता की जय।